हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आप पर निशाना साधते हुए कहा, जो आम आदमी पार्टी को केवल एक ही फॉर्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठकर कैसे सरकार चलानी है। अनिल विज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए बोले, झूठ और बेईमानी की दुकान पर आजकल ये झूठे वादे कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, जबकि ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू की थी। वहीं विज ने सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा कि सुरजेवाला को कोई अब तवज्जो नहीं देता, इसीलिए अब वो पोस्टमैन बन गए हैं। जो देश का पावर हाउस है वो नरेंद्र मोदी के पास है, और नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और पूरी ताकत के साथ बनाएगी, क्योंकि लोग जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा में हारी, इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है सिवाय ठगी के। और किस प्रकार से एक ही इनको फार्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चलानी है। नहीं, ये एक अच्छी बात है कि राजनीति में एक पोस्टमैन भी आ गया है, और सुरजेवाला जी अब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी बात को तवज्जो नहीं कोई देता, तो इसलिए अब वो पोस्टमैन बन गए और अपनी बातों को पोस्ट कार्ड के जरिए कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ और बेईमानी की दुकान है। आजकल ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू करी? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों की बात करता है। ये एशियाड में जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए थे, इसने उनको इनाम नहीं दिए, उनके इनाम खेल मंत्री बनने के बाद मैंने दिए, इनको क्या हक है बोलने का? झूठ सारा दिन लोगों को पिलाते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता इनकी वास्तविकता को जानती है। ना तो इन्होंने पद दिए और ना मैं मेडल की जो राशि मिलती है वो दी, वो मैंने दी।